हेलो स्टूडेंट्स, न्यू लाइट प्रयास के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग फिर से आज एक पेपर डिस्कशन लेकर आए हैं जिसका नाम है FST टेस्ट नंबर 16। ठीक है, FST टेस्ट नंबर 16 का जो पेपर डिस्कशन होने वाला है, इसमें स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस हैं यानी कि 51 से 75 तक का जो डिस्कशन होगा वो मैं करवाऊंगी, और आगे के क्वेश्चन 76 से 100 तक के जो डिस्कशंस होंगे वो आपको रवि सर करवाने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी ने अपना टेस्ट बहुत अच्छे से दिया होगा और आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने पेपर डिस्कशन के साथ, जिसमें हमारे सर का मानना है और हम सब का मानना है अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो इसी मिशन के साथ आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। 51 नंबर का क्वेश्चन ये बोल रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यहाँ पर आपको कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, चार जो ऑप्शन है उनमें सब में कंडीशंस दे रखी है, और बोला जा रहा है कौन सी कंडीशन होगी जो सही होगी। पहले में ये बोल रहा है कि ये H2+, ठीक है, ये H2+ है जो कि H2-, ये क्या इससे ग्रेटर होता है, यानी कि H2+ ज्यादा है किस पैरामीटर के हिसाब से, स्थायित्व के हिसाब से। ठीक है, तो स्थायित्व कैसे पता करेंगे, स्टेबिलिटी। ठीक, तो अगर यहाँ पर देखो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अगर हम यहाँ पर देखें सबसे पहले H2 प्लस और H2-, ठीक, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा, ये तो आप सब जान लो। लेकिन कैसे, जब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे तो σ1s σ*1s, ठीक, इस तरह से बनाओगे। अब H2 को ध्यान से देखो, H2+ को ध्यान से देखो, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक, सेम ये H2- के लिए भी ऐसा ही हो जाएगा। लेकिन माइनस के लिए ऐसा क्यों है, सेम कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद यहाँ पर क्या होगा, रिपल्शन की वजह से। ठीक, रिपल्शन की वजह से इसका स्थायित्व क्या होगा, कम हो जाएगा। जब ये रिपल करेंगे इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा, स्टेबिलिटी घट जाएगी। तो यहाँ पर H2+ की स्टेबिलिटी यहाँ पर ज्यादा हो जाएगी, इट मीन्स ये तो करेक्ट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब हम लोग सेकेंड पर पहुंचते हैं जो कह रहा है बंद कोटि के बारे में। तो बंद कोटि अगर हम यहाँ पर देखें तो आप सभी को पता है किस तरह से निकालते हैं बंद कोटि, Nb-Na, यानी कि जो हमारा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक, आबंधी और अनआबंधी के बीच का अंतर जो होता है ÷2। तो H2+ और H2- के लिए यहाँ पर कंडीशन दे रखी है कि बराबर होगी, तो जाहिर सी बात है H2+ के लिए देखो तो यहाँ पर ये हो जाएगी 1/2, ये 0 हो गया, एंटी बॉन्डिंग कुछ है नहीं, सेम, तो 0.5 ये भी आया। इसी तरह H2- के लिए देखोगे तो वो भी सेम आएगा 0.5, तो इट मींस ये भी यहाँ पर सही है। ठीक, अब देखो जब आप ये निकाल रहे थे तभी आपको ये पता चला कि अनआबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या इनमें क्या है। अगर हम H2- की बात करें तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डेड पेयर में आ जाएगा ना, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन से ये ज्यादा हो जाएगा, ठीक, लेकिन यहाँ पर कम हो जाएगा, इट मीन्स H2- में अनआबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी एक इलेक्ट्रॉन से। तो इट मीन्स ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है। तो हम ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे जो क्या कह रहा है, उपरोक्त में सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। समझ आया, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पर, ये जो आपको सीरीज दे रखी है इसे राइट डाउन कर लो और नोट, यहाँ पर इसको ध्यान रखना, हमेशा इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो 51 क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 52 नंबर का क्या बोल रहा है, आंसर फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा। जब आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए रूल्स पढ़ रहे थे तो आपने देखा था कि ऑक्सीजन कुछ कंपाउंड्स में, कुछ यौगिकों में अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। वैसे तो उसकी -2 होती है, लेकिन कहीं कहीं +2 और क्या हो जाती है, +1 हो जाती है। अब देखो यहाँ पूछ रहा है कि +2 किस में होगा, तो ऑप्शन दे रखे हैं डाई ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड में, यानी कि O2F2 की बात हो रही है। ये कंपाउंड आपको जहां पर रिडॉक्स अभिक्रिया वाला जो चैप्टर है ना, अपचय उपचय अभिक्रिया चैप्टर, वहां पर रूल्स में आपको मिल जाएगा, NCERT में डायरेक्ट बताया गया है ऐसा है भी तो क्यों है और कितना है। ठीक, उसके बाद नीला परक्रोमेट दिया गया है, तो यहाँ पर तो कोई फायदा नहीं है, ये काट दो। थर्ड ऑप्शन कह रहा है ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड, यानी कि OF2 की बात करी गई है।
तो हम एक एक में ऑक्सीजन की संख्या निकाल कर अगर देखें तो ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड यानी कि OF2 है, यहाँ पर हमें ऑक्सीजन की पता करनी है, इसकी एक्स मान ली 2 और यहाँ पर कितनी हो जाएगी -1 होगी, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। तो x बराबर डायरेक्टली आपको पता चल गया कितना है, यहाँ पर ये माइनस है तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। तो OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है +2 है। तो हमें यहीं पर ये आंसर मिल गया, इट मींस ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर। ठीक, फर्स्ट की अगर बात करोगे तो फर्स्ट में भी अगर आप फाइंड कर लो पता हो जाएगा, ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। यहां पर x मान ली इसकी प्लस 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये माइनस 1 है, ठीक है, 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो यहां पर कितनी आ गई 2x इज इक्वल्स टू 2, तो x बराबर प्लस का 1, ठीक है, क्लियर यहां तक की चीजें सभी को, कोई यहां तक परेशानी दिक्कत? चलो, तो यहां पर इसकी +2 +1 होती है और यहां पर +2 होती है, याद रखना हमेशा, और वैसे नॉर्मली -2 होती है। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं, 53 नंबर का क्वेश्चन। 53 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से दिए गए परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित नहीं करेगा। तो यहां पर थोरियम, जिंक और स्कैंडियम दे रखा है और बोला जा रहा है कि कौन है जो परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित नहीं करेगा। तो यहां पर कुछ ग्रुप में एलिमेंट दे रखे हैं, कुछ तत्व दे रखे हैं, जैसे कि स्कैंडियम, जिंक, थोरियम, स्कैंडियम, फिर या फिर जिंक और थोरियम, या फिर तीनों एक साथ दे रखे हैं। तो यहां पर क्या होगा जल्दी से बताओ, शेल जहां पर फुलफिल्ड नहीं होंगे, है ना, जहां पर शेल फुलफिल्ड नहीं होंगे वही करेगा। तो बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा जिंक का, आप सभी जानते हो जिंक का क्या होता है, 4D10, 3D10 और 4S2, तो ये तो फुलफिल्ड है, ठीक, यहां पर क्या हो गया शेल फुलफिल्ड होंगे तो नहीं करेगी, और पूछा क्या गया है, अच्छा नहीं करेगी ही पूछा गया है, तो शेल फुलफिल्ड है तो नहीं करेगी, शेल यहां पर देखो फिल्ड है, भरित है, पूर्ण भरित है, ठीक। स्कैंडियम की अगर बात करोगे तो स्कैंडियम में क्या हो जाएगा, 3D1 4S2, यहां पर भी फिल्ड है, ठीक, तो तीनों ही अगर हम देखें तो इस तरह से तीनों। थोरियम की बात करोगे तो थोरियम में भी सेम यही आएगा, जब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे तो उसमें भी यही सेम मिल रहा होगा। तो इस हिसाब से क्या होगा, तीनों ही निम्न में से तीनों ही जो है वो परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित नहीं करेंगी, ठीक, तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। समझ आया यहां तक सभी को? चलो नेक्स्ट 54 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, पढ़िए क्या कह रहा है यहां पर। K2Cr2O7 के निर्माण में क्रोमाइट अयस्क का प्रयोग करते हैं, ठीक है, देखो यहां से एक जानकारी हमें मिल गई क्या कि K2Cr2O7 का जब निर्माण करते हैं तो कुछ क्रोमाइट के अयस्क का उपयोग किया जाता है। अब वो अयस्क क्या है ये पता लगाना जरूरी है, ठीक, इसके लिए डीप हमें नॉलेज होनी चाहिए, हमने अच्छे से पढ़ा हो तब पता चलेगा और तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। आगे क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ये कह रहा है क्रोमाइट अयस्क में पाए जाने वाली जो धातुएं हैं उनका ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, यानी कि उनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी ये बतानी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि क्रोमाइट अयस्क आखिर है क्या, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो यहां पर क्रोमाइट अयस्क जिसका यूज करके हमने K2Cr2O7 बनाया है, यानी कि क्रोमाइट, और उसका फॉर्मूला जल्दी से बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ क्या होगा यहां पर फॉर्मूला, FeOCr3, ठीक, नोट डाउन कर लो ये इसका फॉर्मूला होगा, ठीक, Cr2O3, FeO.Cr2O3। इसको अगर आप कंबाइन करके भी लिखना चाहते हो तो आप कंबाइन करके भी लिख सकते हो, कैसे लिखोगे, यहां पर FeCr2O4, ठीक, ये क्लियर है इतना। अब देखो, अब यहां पर ये कह रहा है कि क्रोमाइट अयस्क में जो धातुएं हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या बताओ, तो धातु क्रोमियम है और आयरन है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या किस तरह से बताओगे, देखो यहां पर इसकी -2 है, इट मींस +2 हो जाएगी, ठीक है, यहां पर इसकी क्या हो जाएगी +3 हो जाएगी, ये -2 हो जाएगी। जब आप कैलकुलेट करोगे, अगर आप सेपरेट कैलकुलेट भी करना चाहते हो तो आप देख सकते हो,
यहाँ पर इसकी x मान ली, इसकी माइनस टू, तो x बराबर प्लस टू डायरेक्टली आपको मिल गया। ठीक, तो आयरन की प्लस टू है, प्लस टू यहाँ पर पहले किस में आ रहा है देख लो भाई, एक ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है, यानी कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो कट गए। अब या तो प्लस थ्री मिलनी चाहिए या प्लस फोर मिलनी चाहिए। यहां पर देखो इसको x माना, ठीक है, 2x प्लस 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो यहां पर 2x माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 0, तो सीधे ही देखकर लग रहा है प्लस 3 आ गया, तो यहां पर प्लस 3 वाला ऑप्शन ही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। समझ आया इतना सभी को, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहां पर राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, 55 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, H2S2O8 में S की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, प्लस 6, प्लस 5, प्लस 3 या प्लस 2। ठीक, सबसे पहले तो ये जानते हैं इसे बोलते क्या है, H2S2O8, इसे बोलते हैं यहाँ पर मार्शल अम्ल। ठीक, यहाँ पर शाह होगा, क्या बोलते हैं, मार्शल अम्ल या फिर परोक्सी डाई सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, क्लियर, इतना समझ में आया। अब देखो स्ट्रक्चर देखते हैं इसका, यहां पर ठीक है, अब यहां पर डबल बॉन्ड ओ जुड़ जाएंगे। ठीक, काउंट कर लो, एच टू है, ठीक है, एस कितने हैं, दो हैं, ओ कितने होने चाहिए, एट, तो एक दो तीन चार पांच छ सात, और अच्छा यहां पर आठ। ठीक है, तो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, क्लियर, स्ट्रक्चर समझ में आया सभी को। अब देखो यहां पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या माइनस टू, यहां पर माइनस टू, यहां पर माइनस वन, यहां पर माइनस वन, तो कितने हो गए, दो दो चार और दो छह, तो अपोजिट में प्लस का सिक्स। ठीक, इस तरह से यहां पर देखोगे माइनस टू माइनस टू, यहां पर माइनस वन, यहां पर माइनस वन, प्लस का सिक्स, तो हमें दोनों सल्फर पर प्लस का सिक्स ऑक्सीकरण संख्या प्राप्त हो रहा है। और ये जो लिंकेज होता है, ठीक, ये जो लिंकेज है, समझ आया, ये वाला लिंकेज, यही लिंकेज परोक्सी लिंकेज कहलाता है, क्या कहलाता है, परोक्सी लिंकेज कहलाता है। ठीक, इतना समझ में आया, नोट डाउन कर लो, तो यहां पर प्लस सिक्स होगी सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, प्लस का सिक्स, क्लियर, सभी को इतना क्लियर है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं जल्दी से, 56 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, SiCl4 के जलीय अपघटन पर निम्नलिखित में से क्या बनेगा, यानी कि यहां पर SiCl4 का जल अपघटन कराते हैं, ठीक है, तो हमें यहां पर क्या मिलेगा, हमें मिलेगा SiOH का होल, ठीक है, होल फोर, ठीक है, क्लियर, प्लस फिर इसका जल अपघटन कराते हैं हम, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, देखो इसका पहले जल अपघटन कराया तो हमें SiOH का होल फोर मिला, अब मिलेगा H2SiO3। ठीक, इसके बाद हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, SiO2 मिल जाएगा। ठीक, तो यानी कि हमें तीनों ही चीजें यहाँ पर मिल रही हैं, ये भी और ये भी, ये तीनों ही चीजें हमें ऑप्शन में दे रखी हैं, इट मीन्स जब हम इसका जल अपघटन कराते हैं तो हमें तीनों चीजें मिल रही, ऑल यानी कि सभी लिख सकते हो आप यहाँ पर, ठीक, सभी, क्लियर, समझ आया यहां तक की चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इतना कर लोगे ना तो यानी कि ऑल है सभी क्वेश्चन, यानी कि सभी ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा जाए, 56 का फोर्थ नंबर का ऑप्शन राइट ऑप्शन है। 57 ये क्या कह रहा है, बंद कोण का सही क्रम क्या होगा, इनमें जो बंद कोण है उसका सही क्रम क्या होगा, तो अगर हम फर्स्ट की बात करें NO2 प्लस की, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ठीक, प्लस है तो यहां पर ऊपर प्लस लगा दो, क्लियर,
ये प्लस, तो यहाँ पर जो बंद कोण बनेगा ठीक वो 180 डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का। ऑप्शन हमारा सेकंड सही होगा, बताते हैं रीजन कैसे। सबसे हाईएस्ट इसमें NO2 प्लस का होगा, फिर NO2 माइनस की अगर हम बात करें तो NO2 माइनस का कैसा हो जाएगा यहाँ पर, ये लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर की वजह से क्या होगा, ये होना 120 चाहिए, है ना, होना 120 चाहिए, लेकिन थोड़ा सा उससे घट जाता है, ठीक है, थोड़ा सा घट जाता है, घट गया है, क्यों, ड्यू टू रिपल्शन, प्रतिकर्षण के कारण यहां पर घट गया है ये, ठीक, इतना समझ में आया। उसके बाद देखो सीक्वेंस देखना, उसके बाद क्या है, NO2 का ग्रेटर होगा, NO2 का क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा यहां पर, माइनस है ना ये NO2 माइनस, तो यहां पर एक माइनस लगा दो, फिर उसके बाद NO2 प्लस, ठीक, यही सीक्वेंस जो होगा हमारा सही सीक्वेंस होगा, ठीक है, ये कैसा हो जाएगा, क्लियर, यहां पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, यानी कि हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है यहां पर 57 का, वही राइट ऑप्शन है, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, ठीक, समझ आया इतना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 58 नंबर का क्वेश्चन, 58 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अतिव्यापन सिग्मा बंद देगा, कौन सा अतिव्यापन, आप सभी को पता है एस, एस हमें सिग्मा बंद देता है, एस पी हमें सिग्मा बंद देता है, ठीक, तो यहां पर ये भी राइट है, ये भी राइट है, बी और सी, sp3 की बात करें तो यहां पर भी हमें सिग्मा बंद मिल रहा होता है ना, यहां पर भी तो हमें सिग्मा बंद मिल रहा होता है, तो इस हिसाब से ए बी सी तीनों ही राइट ऑप्शन हो जाएंगे, क्लियर, तीनों ही क्या हो जाएंगे, राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट 59 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, एक मोल मीथेन में, एक मोल मीथेन की बात हो रही है, ठीक, एक मोल मीथेन यानी कि CH4, तो उसमें बताना है क्या चीज उसके लिए सही है, इस स्टेटमेंट के हिसाब से ये चार जो ऑप्शन दे रखे हैं कौन से सही होंगे, देखो पढ़ो, ये क्या कह रहा है, 6.02 × 10⁻³ हाइड्रोजन परमाणु, क्या आपको लगते हैं 6.02 × 10⁻³ हाइड्रोजन परमाणु है, नहीं, अगर यहाँ पर ये चार कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितने हैं, चार हैं, तो अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की बात करें मिथेन के रेस्पेक्ट में, ठीक, तो यहाँ पर अगर 4 × होता 6.02 × 10⁻³, तब तो ये स्टेटमेंट राइट होता, लेकिन यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत होता है, ठीक। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, 4 ग्राम हाइड्रोजन के परमाणु, अब देखो यहाँ पर ये 4 ग्राम है, ये 12 है, तभी तो ये 16 बन जाता है, तो यानी कि 4 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु के लिए ये सही बोल रहा है, तो यहाँ पर एक मोल मिथेन में 4 ग्राम हाइड्रोजन के परमाणु उपस्थित है, ठीक, हमें आंसर तो मिल गया है, लेकिन थर्ड ऑप्शन चेक कर लेते हैं, क्या कह रहा है, CH4 के इतने अणु उपस्थित होंगे, नहीं, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा CH4 में जितने भी अणु हैं, आप मोलों की संख्या निकालोगे फिर आपको पता चल जाएगा, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, क्या 3 ग्राम कार्बन उपस्थित है मीथेन में, नहीं, ये भी हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा, एक मोल मीथेन में, ठीक, यहाँ पर मोल देखो, यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया है ना एक मोल, इसीलिए ये सारे गलत हो गए, और हमारा सेकेंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, तो यहाँ पर 59 का सेकेंड ऑप्शन सही उत्तर होगा, बाकी के ऑप्शन गलत होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 60 नंबर का क्वेश्चन, 7.5 ग्राम KCl 100 मिलीलीटर जलीय विलयन में उपस्थित है, ठीक, तो विलयन का भार प्रति आयतन प्रतिशत क्या होगा, आप सभी ने ये प्रतिशत पढ़ रखा है ना, भार बटे आयतन, ठीक, इसमें क्या होता है, किसका भार, विलय का भार, विलय का भार आपको दे रखा है 7.5 ग्राम, ठीक, बटे विलयन का आयतन, तो विलयन का आयतन आपको 100 दे रखा है, गुणे 100, ठीक, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा 7.5%, ठीक, तो भार और आयतन का जो प्रतिशत आया है वो 7.5 आया है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। नेक्स्ट, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन गलत होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, 61 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक यौगिक है जो नायलॉन बनाने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है,
कोई यौगिक है जिसका प्रयोग हम नायलॉन बनाने में करते हैं। अब ये कह रहा है उसमें 43.8% ऑक्सीजन है, उस पर्टिकुलर यौगिक में क्या है 43.8% जो हमारा यौगिक है उसमें ऑक्सीजन है। अब ये कह रहा है प्रत्येक अणु में 4 ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित हैं। अच्छा देखो, इन्होंने ऑक्सीजन को स्पेसिफाई कर दिया है कि प्रत्येक उसके अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु हैं, 4 ऑक्सीजन परमाणु है। अगर हम एक यौगिक की बात करें तो ठीक 4 ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित हैं। अब ये बोल रहा है यौगिक का लगभग अणु भार बताओ, तो यौगिक का लगभग अणु भार आपको बताना है यानी कि मॉलिक्यूलर मास। ठीक, क्या बताओगे भाई यहाँ पर, देखो क्या हो जाएगा 64 आपको दे रखा है। ठीक है, कैसे कैसे दे रखा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 4 है, 1 का कितना होता है 16, ठीक तो 4 का कितना हो जाएगा 64, तो 64 हो गया इंटू 100 डिवाइड बाय कितने प्रतिशत दे रखा है 43.8% दे रखा है। अब इसे सॉल्व कर लो जल्दी से, जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपको आंसर यहाँ पर पता चल जाएगा। ठीक है, आंसर कैसे पता चलेगा, ये कितना हो गया 64,000 हो गया और ये कितना हो गया 438 हो गया, 438 हो गया, तो यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा जब आप सॉल्व करोगे तो 146 आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो मॉलिक्यूलर मास यानी कि अणु भार जो होगा वो कितना आ गया 146 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 146, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, 62 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से क्या बोल रहा है। कथन और कारण टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, कथन और कारण है, तो कथन पढ़ो सबसे पहले क्या बोल रहा है, समान ताप और दाब की परिस्थितियों में, ठीक है, जो समान ताप और दाब की परिस्थिति है उसमें 10 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर है और 10 मोल ही क्या है H2 है। ठीक, H2 का आयतन बराबर है, तो आप याद करो एक लॉ दिया गया था फर्स्ट चैप्टर में जहाँ पर हमने पढ़ा है रासायनिक विज्ञान के जो सामान और मूल अवधारणा वाला चैप्टर है मोल कंसेप्ट में, तो वहाँ पर हमने कुछ नियम पढ़े थे रासायनिक संयोजन के नियम, है ना, तो वहाँ पर बोला गया था कि अवोगाद्रो जी ने ये बताया था कि समान ताप और दाब पर जो भी हमारी जो परिस्थितियाँ होंगी उसमें जो हमारा अमाउंट होगा अगर वो बराबर है या आयतन बराबर है तो मॉलिक्यूल्स की संख्या अणु की संख्या भी क्या हो जाएगी समान हो जाएगी, है ना। तो इसी हिसाब से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, समान ताप और दाब की परिस्थितियों में 10 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 10 मोल H2 का आयतन बराबर है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ट्रू। ठीक, अब देखो यहाँ पर कारण भी वही दिया गया है जो नियम मैंने आपको अभी बताया है, क्या बोल रहा है, समान ताप व दाब पर बराबर आयतन के गैसों में गैस के अणुओं की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। ये किसने बोला है, अवोगाद्रो जी ने बोला है, ये अवोगाद्रो नियमानुसार। ठीक, समझ में आया, तो इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, राइट, जल्दी से आंसर बताओ, कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कथन जो है मतलब जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट हो जाएगा, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, 63 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाइड्रोजन परमाणु के बोर प्रथम कक्षक के इलेक्ट्रॉन का वेग एक्स है। ठीक, हाइड्रोजन परमाणु के जो बोर प्रथम कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है उसका वेग क्या दे रखा है, एक्स मान लिया गया है, कांस्टेंट मान लिया गया है, तो ये बोल रहा है तो इलेक्ट्रॉन का तृतीय बोर कक्षक में वेग क्या होना चाहिए या क्या होगा, तो आप सभी ने फॉर्मूला पढ़ रखा है वेग के लिए, क्या पढ़ रखा है जल्दी से बताओ, 2.88, ठीक है, 2.88 इंटू 10^8 यहाँ पर क्या हो जाएगा 2.88 इंटू 10^8 डिवाइड बाई एन, कक्षक की यहाँ पर संख्या है ना, ये पढ़ रखा है, तो एक बार आप 1 के लिए देख लो, एक बार 3 के लिए देख लो, तो जब आप 1 के लिए देखोगे तो यहाँ पर एज इट इज यही वैल्यू आ गई, ठीक सेम वैल्यू आ गई, तो यहाँ पर जब आप 3 के लिए देख रहे होगे तो यहाँ पर इसको हमने क्या मान लिया है, x मान लिया है, 3 के लिए देखोगे तो n बराबर 3 पुट कर दोगे डायरेक्टली, तो x बाय 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा x बाय 3 हो जाएगा,
क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन x बाय 3, बाकी के ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो 64 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है। बोर के अनुसार पांचवें कक्षक में, ठीक फिफ्थ कक्षक में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फॉर्मूला आप सभी को पता है क्या होता है, MVR इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2π। ठीक, अब देखो ये क्या कह रहा है, कोणीय संवेग, यानी कि ये पूछा गया है किस कक्षक के लिए, फिफ्थ पांचवें कक्षक के लिए। तो n का मान क्या रख दोगे, 5 रख दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 5H अपॉन 2π। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 2.5H अपॉन पाई। तो यहाँ पर कोणीय संवेग क्या हो जाएगा, 2.5H अपॉन पाई। देखो कहाँ पर है 2.5H अपॉन पाई, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट, बाकी के ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, 65 नंबर का क्वेश्चन देखा जाए। 65 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी प्रजाति सम संरचनात्मक युग होगा। इनमें से कौन सी प्रजातियों का जो युग्म है वो कैसा होगा, सम संरचनात्मक होगा। तो इसके लिए अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। कैसे, अगर हम देखो फर्स्ट बात करें, पहले NF3 की अगर बात करें, तो NF3 की अगर आप बात करोगे तो यहां पर कुछ इस तरह से बनेगा और एक लोन पेयर हो जाएगा यहां पर। ठीक, तो इसका जो अगर हम बात करें क्या हो जाएगी, इसी तरह अगर हम NO3 माइनस की बात करें तो क्या होगी, NO3 माइनस की अगर आप बात करोगे ठीक इस तरह से NO3 माइनस हो जाएगा। क्लियर है, यहां पर NO3 माइनस की, क्लियर, और माइनस की बात हो रही है तो यहां पर माइनस। तो दोनों का स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, PCl3 का भी सेम इसी तरह हो जाएगा और यहां पर जो युग्म है इसका भी सेम हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, इसका ऑप्शन जो होगा वो थर्ड होगा, ठीक है, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट 66 नंबर का क्वेश्चन, यहां पर कह रहा है केवल पाई बंद वाली स्पीसीज का चयन करें, केवल पाई बंद वाली स्पीसीज का चयन करना है। तो यहां पर C2 की अगर हम बात करें, ठीक है, C2 की अगर बात करें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन आप सभी को पता है, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, ठीक है, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, फिर क्या आ जाएगा, पाई 2p एक्स बराबर पाई 2p एक्स बराबर पाई 2p वाई, ठीक, और यहां पर आ जाएगा सिग्मा 2z और सिग्मा स्टार 2z, ठीक है। वैसे आगे इतना लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन आप यहीं तक लिख सकते हो, ठीक, सिग्मा 2pz हो जाएगा, सिग्मा 2pz और सिग्मा स्टार 2pz, आगे लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन आप देखो यहां तक। अब इलेक्ट्रॉन फिलिंग करो, देखो कैसे होगा, यहां पर 1, यहां पर 2 हो गए, यहां पर 2 हो गए और 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, ठीक 12 ही तो होंगे, C2 के लिए अगर आप देखोगे 12। तो यहां पर पाई बंद वाली स्पीसीज, इसमें देखो पाई बंद में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है यानी कि C2 ठीक है। ठीक, B2 की अगर हम बात करें, सेम B2 के लिए भी क्या हो जाएगा, 10 होंगे यहाँ पर, तो 5 एक में तो 2 में 10, तो अगर 10 की बात करोगे तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 9 और 10, तो इसमें भी पाई में फिल हो रहा है, तो इट मीन C2 और B2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बाकी के ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। क्लियर, ठीक है। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में जैसे ही आपने यहाँ पर NF3 लिखा था वैसे ही PCl3 की भी संरचना होगी, ठीक है, क्लोन पेयर होगा, तो वहां पर भी क्या होगा, सम संरचनात्मक ये बन जाएंगे। ठीक, चलो 66 समझ में आया, 67 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं।
क्या कह रहा है 67 नंबर का क्वेश्चन, 273 केल्विन के स्थिर तापमान पर एक आदर्श गैस के एक मोल के प्रारंभिक दाब एक बार से 0.1 बार के अंतिम दाब तक समतापी प्रसार के लिए किए गए कार्य की गणना करो। तो W के लिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W के लिए आप सभी ने फॉर्मूला लगा रखा है 2.303, ठीक, माइनस का 2.303 NRT log P1 अपॉन P2, ठीक, रख दो माइनस का, W आपको निकालना है माइनस का 2.303 इंटू N, कैसे निकालोगे, आदर्श गैस के लिए N क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक, R का वैल्यू बताओ 8.31 हो जाएगी, R की वैल्यू क्या हो जाएगी 8.31 हो जाएगी, ठीक, और टेम्परेचर 273 केल्विन दे रखा है, ठीक है, P1 P2 की बात करोगे तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 0.1 अपॉन, पहला क्या दे रखा है 0.1, ठीक, 1 अपॉन 0.1, ठीक, सॉल्व कर लो इसे फटाफट जल्दी से, कितना हो जाएगा देखो लॉग है ना, ये तो लॉग, ये लॉग 10 हो जाएगा, लॉग 10 यानी कि 1 हो जाएगा, ठीक, ये 1 हो गया, ये 1 है इधर, मल्टीप्लाई कर दो सिंपली, जब आप सिंपली से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 5227.4 समथिंग मिलेगी माइनस में, ठीक, या 2 मिलेगी, 2, क्लियर, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर जूल में, ठीक, तो वर्क जो होगा किया गया कार्य कितना है 5227.2 जूल, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर का, अच्छा ऑप्शन इनमें कौन सा सही होगा, माइनस का, ठीक, प्लस का नहीं होगा ये, माइनस का, देखो दोनों ऑप्शन सेम है, बस माइनस प्लस का फर्क है, तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा आंसर, ठीक। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मोल मेथेनॉल यानी कि CH3OH क्लियर का ऑक्सीजन के साथ दहन करने पर, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ इसका दहन करते हैं तो यहाँ पर -723 किलो जूल मोल इनवर्स ऊष्मा मुक्त होती है, अगर ऑक्सीजन का एक मोल लिया जाए तो कितनी ऊष्मा मुक्त होगी, तो ऑक्सीजन के एक मोल की बात हो रही है, लेकिन अगर हम पहले इस इक्वेशन को बैलेंस करें तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा, इस अभिक्रिया को बैलेंस करो, यहाँ पर 3/2 करोगे तब जाकर ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा, कितने ऑक्सीजन चाहिए 4, तो यहाँ पर 3 और 1 4, ठीक, बैलेंस हो गई। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन कह रहा है एक मोल मिथेनॉल के लिए, ठीक है, एक मोल मिथेनॉल की बात हो रही है, तो ऑक्सीजन के लिए जो हीट हमें जरूरत होगी, ऑक्सीजन के लिए ऊष्मा की जो मात्रा होगी, ऊष्मा की जो मात्रा होगी एक मोल के लिए, ठीक, कितनी हो जाएगी 2/3 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 2/3 इनटू क्या दे रखा है माइनस का 723 किलो जूल और मोल इनवर्स, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा डेल्टा है जो आपको ऑलरेडी देखो दे रखा है ना, तो यहाँ पर क्या करना है -723 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर आप राउंड ऑफ वैल्यू यहाँ पर देखो तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, जब जल्दी से बताओ फटाफट वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर 482 आ जाएगी, क्या आ जाएगी 482 आ जाएगी, तो 482 यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन है, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, क्लियर, यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, 69 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभिक्रिया PCl3+Cl2 से हमें यहाँ पर PCl5, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है जिसके लिए KC का मान क्या दे रखा है, KC का मान 250 डिग्री सेल्सियस पर 26 मोल इनवर्स लीटर है, तो इस ताप पर KP का मान याद करो, तो KC और KP में आप सभी ने संबंध पढ़ रखा है, क्या होता है KC KP, ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा KC KP में RT की पावर NG, ठीक, क्या पढ़ रखा है KC और KP में संबंध, KC और KP में आपने संबंध पढ़ रखा है, यहाँ पर KP बराबर KC RT की पावर डेल्टा NG, ठीक।
डेल्टा एन जी कितना आ जाएगा, यहाँ से निकालो ये वन है और ये टू, तो माइनस में वन आ जाएगा। तो यहाँ पर के सी आपको ऑलरेडी दे रखा है कितना है 26 गुणे आर, कितना रखोगे आप इसके लिए, आर की वैल्यू यहाँ पर आपकी रखी जाएगी 0.0821, ठीक है, क्या रखी जाएगी 0.0821 इंटू टेम्परेचर, कैसे काउंट करोगे, 250 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, ठीक, 273 ऐड कर दो इसमें, 3 और यहाँ पर 12 और ये कितना आ गया 523, ठीक है, तो ये हो गया 523 केल्विन में इंटू, अच्छा इसके बाद डेल्टा एन जी आपने अभी अभी निकाला माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा 26 बटे जितनी भी वैल्यू है ये पूरी अपॉन में आ जाएगी, क्या बन जाएगी 0.0821 इंटू 523, ठीक। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा, जल्दी से बताओ, सॉल्व करोगे तो आंसर मिलेगा 0.61 एटीएम इनवर्स, ठीक है, क्लियर, समझ में आया। तो केपी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आ गई, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, 70 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 5 क्वेश्चन हमारे और बचे हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन रासायनिक साम्य के लिए आ सकते हैं, तो रासायनिक साम्य के लिए कौन सा कथन आपको यहाँ बताना है, क्या है, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है रासायनिक साम्य स्थापित जब होगा जब हम अभिकारक या उत्पाद से शुरुआत करते हैं, बिल्कुल गलत। यहाँ पर कह रहा है रासायनिक साम्य गतिशील होता है, ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है जैसे मान लो एक अभिक्रिया है इसमें रासायनिक साम्य जब स्थापित होगा, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से तो ये गलत है ना, क्वेश्चन के हिसाब से गलत है, ये एग्जैक्टली कह सही चीजें रहा है लेकिन पूछा क्या गया है रासायनिक साम्य के लिए असत्य है, ठीक। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये जो अभिक्रिया है ये कह रहा है रासायनिक साम्य स्थापित जब होगा जब CaCO3 को खुले पात्र में रखेंगे, तो यहाँ खुले पात्र में गर्म करेंगे, यहाँ पर अगर बंद पात्र होता तब ये ठीक होता, ठीक, तब ये ठीक होता क्योंकि जो रासायनिक साम्य है वो बंद पात्र में ही पॉसिबल हो रहा है इसमें, ठीक। अब देखो फोर्थ ऑप्शन कह रहा है साम्य पर प्रत्येक अभिकारक उत्पाद की सांद्रता निश्चित है, सांद्रता निश्चित है, ठीक, तो ये भी क्या है, सही है, यानी कि असत्य ढूंढना है तो असत्य हमें थर्ड ऑप्शन मिल गया, बाकी के ऑप्शंस गलत हो गए, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, 71 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एलिल वाइनल थायो ईथर की संरचना क्या है, तो अगर हम लोग एलिल जो हमारा एलाइल है वाइनल और थायो ईथर की संरचना की बात करें तो उस हिसाब से जो हमारा आंसर होगा, देखो ये जो है ना CH2CH दीबंद, ठीक, ये हमारा क्या है विनाइल है, ये क्या है विनाइल हो जाएगा, ठीक। और एलाइल की अगर हम बात करें, तो एलाइल हमारा बनता है ये CH2CH डबल बॉन्ड CH2, इसके बीच यहाँ थायो लग गया है, ठीक है, ये थायो लग गया है, तो ये क्या हो गया थायो, और ये क्या हो गया एलाइल हो गया, ठीक। तो यही जो संरचना होगी वही हमारी क्या है एलाइल वाइनल थायो ईथर की संरचना होगी, ठीक, क्लियर है। तो इस हिसाब से आंसर कौन सा सही हो जाएगा, हमारा आंसर ये मैच कर रहा है सेकेंड ऑप्शन से, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन से, बाकी के ऑप्शन गलत हो जाएंगे, विनाइल हो गया थायल हो गया वो एलाइल हो गया, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है, 2-ethyl-3-pentyne का सही IUPAC नाम बताओ, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा 4-methyl-hexyne-2, यानी कि चौथे पर मैथिल लगा होगा और हेग्ज 2 आइन, यानी कि दूसरे पर यहाँ पर हेग्ज की सीरीज बनेगी, ठीक, 6 कार्बन की सीरीज काउंटिंग होगी और दूसरे वाले पर आइन समूह यहाँ पर आइन जो बंद है वो जुड़ा होगा, त्रिबंद जुड़ा होगा, ठीक, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा थर्ड। 73 नंबर की बात करें तो बोल रहे हैं ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करेगा, तो ज्यामितीय समावयवता कौन प्रदर्शित करता है, कार्बन और कार्बन के मध्य क्या होना चाहिए, द्विबंध होना चाहिए, और प्रत्येक कार्बन पर यानी कि जो दो कार्बन है इन दोनों के बीच में द्विबंध है और प्रत्येक कार्बन पर अलग अलग समूह जुड़े होने चाहिए, यानी कि यहाँ पर अगर मेथिल है यहाँ पर H, इस तरह से यहाँ पर मेथिल यहाँ पर H, अच्छा अगर इनका जस्ट अपोजिट हो जाता ये सेम होते
तो ये ट्रांस हो जाता, अगर ऐसे है तो ये सिस है। तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, ज्यामिति समावयवता प्रदर्शित कौन करेगा? तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन टू, यहाँ पर ब्यूटीन, टू ब्यूटीन यहाँ पर आंसर हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो टू ब्यूटीन ही हमने बना दिया है, ये क्लियर समझ आया यहाँ तक की चीजें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। द्विबंध कार्बन और कार्बन के मध्य होना चाहिए, सिस और ट्रांस टाइप की समावयवता प्रदर्शित करेंगे। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर हो जाएगा टू ब्यूटीन। 74 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा कार्ब धन आयन सबसे स्थाई होगा? तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ठीक, ये क्या है, ये भी 2 डिग्री है और ये भी 2 डिग्री है। लेकिन अगर हम सबसे स्थाई की बात करें तो स्थाई होगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास लोन पेयर होंगे, यहाँ पर क्या होंगे, लोन पेयर होगा एक, ठीक। अब यहाँ पर एक लोन पेयर है तो ये क्या करेगा, इसको जल्दी से स्टेबलाइज्ड कर देगा, इसको क्या करेगा, जल्दी से स्टेबलाइज, स्थायित्व प्रदान करेगा। तो सबसे ज़्यादा स्थायी कार्बधनायन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 74 का सेकेंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक, लास्ट क्वेश्चन 75 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन अति संयुग्मन द्वारा सबसे स्थाई होगा? तो यहाँ पर अति संयुग्मन द्वारा जो सबसे ज्यादा स्थाई होगा, यानी कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी, तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर देखो किसके पास ज्यादा है, अगर इस कार्बन की बात करें तो यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक, और अगर हम यहाँ पर बात करें तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक, सेम यहाँ पर 1 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक, यहाँ पर देखो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है क्योंकि कार्बन से ऑलरेडी ग्रुप जुड़े हैं, तो यहाँ पर 0 अल्फा हाइड्रोजन है। तो काउंट कर लो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर सबसे फर्स्ट वाला जो है जिसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, यही हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक का? तो यहाँ पर जो हमारे 75 तक के जो क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट होते हैं। आगे नेक्स्ट जो हमारी डिस्कशन होने वाला है वो उसका डिस्कशन 76 से 100 तक का जो क्वेश्चन होगा वो आपको रवि सर करवाने वाले हैं। तो आई होप आप सभी अभी कहीं जाएंगे नहीं, यहीं पर जुड़े रहिए आगे के क्वेश्चंस के डिस्कशंस के लिए। आई होप आप सभी को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार सभी लोगों को, मैं उपेंद्र सर, केमिस्ट्री फैकल्टी। तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, देखिए FST टेस्ट 0 टेस्ट 16 का हम लोग हिंदी में पेपर डिस्कस करेंगे। तो देखिए 76 क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, देखिए क्या दिया आपका है, शुद्ध मेथेन किसके द्वारा प्राप्त हो सकती है? बोर्स अभिक्रिया द्वारा, कोलबेक की इलेक्ट्रो अपघटनी विधि के द्वारा, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन के द्वारा, H2 द्वारा एल्कीन का अपचयन। तो जानते हैं हम लोग हैं बोर्स रिएक्शन से हम लोग क्या होता है, सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन होता है, और कोलबे क्या इलेक्ट्रो अपघटनी विधि से हम लोग मेथेन हम लोग ऑब्टेन नहीं करते हैं। तो बोला क्या, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन की बात किया जाए तो सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन से हम लोग क्या करते हैं, शुद्ध हम लोग क्या करते हैं, मेथेन हम लोग प्राप्त करते हैं। तो यहां बात किया जाए किससे, एसिटिक एसिड को, क्या बोले हम लोग, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड ले लीजिए CH3COOH को अगर हम लोग क्या करें, हम लोग किसके साथ रिएक्शन करा दें, बताइए किसके साथ रिएक्शन कराएं हम लोग, यानी NaOH और CaO के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH प्लस CaO के साथ, तो क्या बन जाएगा आपका, CH4 मेथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लस क्या होता है आपका, CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। तो शुद्ध मेथेन हम लोग क्या करेंगे, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन से हम लोग क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। तो यहाँ पे 76 का क्या होगा आपका, थर्ड इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं 77 की। देखिए दिया एल्कीन में द्विबंध की स्थिति किसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं? तो याद रखिएगा ब्रोमीन जल लिखा हुआ आपका, अमोनिया सिल्वर नाइट्रेट विलयन और ओजोनीकरण। तो याद रखिएगा एल्कीन में द्विबंध की बात करते हैं, डबल बॉन्ड, तो ओजोनीकरण के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं इसको हम लोग, इसी के द्वारा हम लोग ज्ञात कर सकते हैं।
ब्रोमीन जल की बात करेंगे तो ब्रोमीन जल क्या होता है आपका, असंतृप्तता की स्थिति को बताता है, मतलब कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो उसकी स्थिति को बताएगा। यहाँ पे अमोनियल सिल्वर नाइट्रेट विलयन की बात करेंगे तो क्या करता है, वन एल्काइन को टू एल्काइन में डिफ्रेंशिएट करने का काम करता है, तो यही क्या होगा आपका ओजोनीकरण होगा, जो क्या होगा आपका एल्कीन में द्विबंध की स्थिति के बाद क्या करते हैं हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। चलिए 78 की बात करें तो देखो ये दिया हुआ है, पूछ रहा है ट्रांस एल्कीन एंड क्या बोलते हैं सिस एल्कीन एंड ट्रांस एल्कीन किससे बनेगा। तो अगर हम लोग सिस एल्कीन की बात करें तो यहां हम लोग जानते हैं क्या बात करेंगे, पीडी ऑन कैल्शियम कार्बोनेट से क्या बनता है आपका सिस एल्कीन बनता है, और ट्रांस एल्कीन किससे बनता है आपका लिक्विड अमोनिया से बनता है, ऐसी को हम लोग क्या बोलते हैं बिर्च रिडक्शन, बिर्च रिडक्शन अपचयन, बिर्च अपचयन बोल देंगे, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग लिंडलार कैटलिस्ट बोलते हैं। तो 78 का आंसर क्या हो जाएगा आपका सेकेंड इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं हम लोग हैं 79 की, देखिए क्या पूछा है, बेंजीन की अगर हम लोग ओजोनोलिसिस कराएंगे तो क्या उत्पाद बनेगा। तो देखिए अगर ओजोनोलिसिस कराएंगे तो डबल बॉन्ड को आप ब्रेक करते जाइए, अगर डबल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे बन जाएगा आपका 3 mol CHO, 3 mol आपका क्या बन जाएगा CHO बन जाएगा, ग्लाई आगजल बन जाएगा। ठीक है ना, 3 mol ग्लाई आगजल बन जाएगा, मीन्स बोल सकते हैं कि आपका थर्ड इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, बोलिए आइए बात करते हैं हम लोग है 80 क्वेश्चन की, देखिए क्या दिया, पेंटीन वन एंड पेंटाइन वन में अंतर के लिए उपयोग किया जाने वाला अभिकर्मक है, दिया हुआ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड HCl Ag NH3 होल ट्वाइस OH और Br2। अभी हम लोग क्या रहेगा सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर की बात करेंगे, इसी से हम लोग क्या करेंगे हम लोग पेंटीन वन एंड पेंटाइन वन दिया हुआ आपका, इसी से हम लोग क्या करेंगे हम लोग अलग कर देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा आपका 80 का क्या होगा आपका थर्ड इज क्या होगा आपका, यही आपका क्या होगा आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आइए बात करते हैं 81 की, देखिए क्या दिया, ग्लूकोज के 0.01 मोलरिटी बिलियन पानी में इतना दिया हुआ है आपका, पर जनता है KCl का 0.01 मोलरिटी बिलियन पानी में कितना कितने किस ताप पर जमेगा, मतलब ग्लूकोज क्या होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, और ये KCl की बात करेंगे तो क्या होगा इलेक्ट्रोलाइट होगा, तो K प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर आयन में डिसोसिएट होता है तो हम बोल सकते हैं क्या इसकी कंस क्या आई इंटू सी इसकी ज्यादा होगा, जिसका आई इंटू सी ज्यादा होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा आपका क्या होगा कम होगा, तो डेल्टा टीएफ की बात करेंगे तो इससे कम पे ही क्या होगा आपका हम लोग क्या करेंगे इसको हम लोग जमा देंगे, तो जो ये वैल्यू दिया हुआ है इससे क्या होगा आपका कम हो जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका 81 का फोर्थ इज द क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। 82 देखिएगा दिया हुआ आपका क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक अम्ल का तुल्यांकी भार, तो हम लोग जानते हैं तुल्यांकी भार की बात करें तुल्यांकी भार इज इक्वल टू क्या होता है परमाणु भार डिवाइड बाय क्या होता है आपका 2 होता है, और किसके ऑक्सैलिक अम्ल की बात करेंगे तो क्या होता है H2C2O4 डॉट क्या होता है 2H2O, और इसका मोलर मास कितना होता है 126, तो बोलिएगा 126 डिवाइड बाय 2 तो कितना होगा आपका 63 हो जाएगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका सेकेंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 83 की बात करते हैं, देखिए क्या दिया आपका है 0.2 मोलरिटी KCl बिलियन की 298 केल्विन पर चालकता, दिया आपका है 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, जिसकी मोलर इसकी मोलर चालकता होगी, तो देखिए मोलर चालकता की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या दिया मोलर चालकता, मतलब बोल सकते हैं मोलर चालकता इज इक्वल टू कप्पा इंटू क्या होगा आपका 1000 अपान क्या होता है मोलरिटी, तो कप्पा की वैल्यू कितनी दिया हुआ है बताइए आपका, यहाँ देखिए कप्पा की वैल्यू बात करें तो 0.0248 इंटू 1000 अपान क्या होता है मोलरिटी, मोलरिटी की वैल्यू कितना दिया है 2, तो बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए,
देखिए इसको काट दीजिए तो कितना होगा आपका 12 गुना 24 यहाँ 4, तो इसको क्या करेंगे 0.2 से हटाएंगे तो इतना आ जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 124, कितना आएगा आपका 124, क्या बोलेंगे साइमन सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्या होगा आपका मोल इनवर्स हो जाएगा। तो आपका कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पे थर्ड इधर यहाँ पे क्या होगा आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं हम लोग है 84 की। देखिए क्या दिया आपका है, 5 एम्पियर की धारा को जिंक सल्फेट बिलियन में 40 मिनट के लिए प्रवाहित किया जाता है तो कैथोड पर जमा होने वाली जिंक की मात्रा होगी। तो देखिए कैथोड की बात करेंगे तो कैथोड में क्या होता है आपका अपचयन होता है, क्या होता है अपचयन होगा। जब यहाँ पे अपचयन होगा और हम लोग बात कर सकते हैं क्या Zn प्लस 2 और 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बन जाएगा आपका Zn हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा n की वैल्यू कितना हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है आपसे कैथोड पर जब जिंक की मात्रा मतलब वेट पूछा है तो हम लोग फार्मूला कौन सा लगाएंगे जल्दी बताइए, इसका कौन सा फार्मूला लगाएंगे, डब्ल्यू इक्वल टू लगाएंगे E into I into T upon 96500। डब्ल्यू इक्वल टू E into I into T upon 96500। इक्विवेलेंट वेट तो मॉलिकुलर वेट कितना होता है 65.5 / 2 इंटू आई की वैल्यू कितना दिया है 5 एम्पियर इंटू टी की वैल्यू कितना दिया है 40 × 60 मिनट को सेकंड में चेंज कर दीजिए अपान 96500। तो बस जब इसका आंसर काट पीट के निकालेंगे तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा, आएगा 4.065 ग्राम आ जाएगा। ठीक है ना, तो W की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 4.065 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं हम लोग हैं 85 की। देखिए क्या दिया आपका है, प्रथम कोट की अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता देखिए दिया हुआ है 0.8 मोलरिटी से कहाँ पे चला जा रहा है 0.4 मोलरिटी, और 15 मिनट में घटती है मतलब क्या होती है टी हाफ की वैल्यू कितना दिया है आपका है 15 मिनट दिया हुआ आपका। ठीक है, तो बोल रहा है 0.1 मोलरिटी से अगर 0.025 मोलरिटी हो जाती है तो पूछ रहा है आप एक टी हाफ की वैल्यू क्या होगी समय, मतलब हम जानते हैं कि अगर टी 75 बोल देंगे, अगर बोले टी पूछा है टी की वैल्यू क्या होगी, अगर टी हाफ की बात कर देंगे यहाँ पे तो क्या होगा आपका 2 × आपका इसको ले लीजिए हम जानते हैं, तो अगर मान लीजिए क्या आधा देखिए 0.8 से 0.4 हो तो अब एक फार्मूला होता है क्या हम लोग पढ़ते हैं क्या टी हाफ यहाँ पे टी की वैल्यू क्या होगी, तो टी 75 पर इज इक्वल टू क्या बोलते हैं 2 × T half मतलब 50, इसका मतलब 2 × 15 तो कितना आ जाएगा आपका 30 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा आपका फर्स्ट इज द यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बोलिए चलिए 86 देखिए क्या दिया हुआ आपका, आपके दिया 2A + B + C के लिए दर समीकरण मतलब रेट पूछ रहा है, तो रेट क्या होगा आपका देखिए यहाँ पे 1 और 1 दिया हुआ है तो 1 + 1 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। संबंध के लिए सही कथन क्या है, अगर सेकेंड ऑर्डर की बात करेंगे तो के की बात क्या सेकेंड इनवर्स है ये तो आपका गलत हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स किसके लिए होता है आप बताइए फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है ये सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा तो गलत हो गया आपका। के का मान ए प्लस बी की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, क्या होगा आपका किस पे डिपेंड करता है के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो पूछा है सही क्या होगा ये तो आपका सही हो जाएगा। सी के बनने की दर ए के घटने की दर की दुगुना होगी, देखिए अगर ए का 2 घटेगा तो सी का ए बनेगा, इसका दुगुना नहीं होगी क्या हो जाएगा आपका आधा हो जाएगा। टी हाफ नियतांक नहीं है, टी हाफ नियतांक अगर की बात करेंगे यहाँ किसके सेकेंड ऑर्डर की बात करेंगे तो टी हाफ नियतांक नहीं होगा, तो क्या होगा आपका सेकेंड इज द यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 87 देखिए क्या दिया आपका है,
ये दिया कंपाउंड पूछ रहा है, एक लिगेंड है तो लिगेंड्स है की बात करेंगे तो द्विदंती त्रिदंती पंचदंती चतुर्दंती की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे डेंटिसिटी की बात करेंगे तो एक बार यहाँ से इसकी डेंटिसिटी होगी, दूसरा यहाँ पे तीसरा इसके देखिए स्क्वायर किया गया है इसके दो डेंटिसिटी हो जाएंगे तो कितना होगा एक दो तीन चार पाँच मतलब पांच दंती हो जाएगा तो ऑप्शन कितना होगा आपका थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा ठीक है ना पांच दंती हो जाएगा। 88 देखिए क्या दिया आपका निम्नलिखित में से किसका नाम डाइब्रोमोबिस एथिलीन डाइएमीन क्रोमियम थर्ड आयन है तो देखो क्या दिया है क्रोमियम थर्ड आयन तो देखो क्या बोला है डाइब्रोमोबिस एथिलीन डाइएमीन क्रोमियम थर्ड आयन तो क्रोमियम थर्ड आयन की बात करेंगे तो क्रोमियम प्लस इसका जीरो हो जाएगा प्लस एक ब्रोमीन पे एक माइनस वन चार दो पे माइनस का टू तो माइनस टू इज इक्वल टू प्लस वन और यहाँ पे क्रोमियम की वैल्यू कितना आ जाएगी प्लस का थ्री तो यही इसका क्या होगा आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ठीक है ना। बोलिए आइए बात करते हम लोग 89 देखिए क्या दिया निम्नलिखित में से कौन सा अधिक अस्थायी होगा तो अधिक अस्थायी की बात करेंगे तो जिसमें चिलेशन का फॉर्मेशन होता है वही ज्यादा अस्थायी होता है तो यहाँ बात करेंगे देखो यहाँ पे EN2 की बात किया गया है और EN2 में क्या होता है आपका चिलेशन बनता है और अगर चिलेशन बनता है तो वही क्या होता है आपका अधिक अस्थायी होगा तो फोर्थ इज द क्या होगा राइट आंसर मतलब बोलेंगे चिलेशन फॉर्मेशन चिलेशन के बनने की दर चिलेशन फॉर्मेशन अगर चिलेशन फॉर्मेशन हो जाएगा तो यहां पे क्या होगा अधिक अस्थाई आपका हो जाएगा। 90 बेंजोइल क्लोराइड को अगर PDBSO4 के साथ अपचयन करने पर उत्पन्न करता है बेंजोइल क्लोराइड की बात करेंगे तो बेंजोइल क्लोराइड की बात करेंगे तो यहां पे क्या होगा C6H5 क्या होगा आपका COCl को अगर हम लोग क्या बोले H2PD और BASO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा आपका बेंजाल्डिहाइड आपका बन जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं देखिए क्या होगा आपका अपचयन करा देंगे तो क्या बन जाएगा आपका बेंजाल्डिहाइड तो क्या होगा आपका पूछा गया है कि बेंजोइल क्लोराइड से क्या बनेगा बेंजाल्डिहाइड ठीक है ना। देखो आपका बेंज का बेंजोइक अम्ल बेंजिल एल्कोहल बेंजाइल सल्फेट बेंजाल्डिहाइड फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा ठीक है ना। 91 देखिए क्या दिया हुआ RX प्लस NaOH से ROH प्लस NaX बन जा रहा है तो पूछ रहा है उपयुक्त अभिक्रिया कहलाती है तो देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका R प्लस X माइनस यहाँ Na प्लस OH माइनस तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरा न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हम लोग कहते हैं तो फर्स्ट इधर यहाँ पे क्या होगा आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ठीक है ना। 92 देखिए क्या लिखा हुआ आपका रेक्टिफाइड स्पिरिट में क्या होता है याद रखिएगा रेक्टिफाइड स्पिरिट में 95.5% एल्कोहल होता है और आपका 4.5% क्या होता है आपका जल होता है ठीक है ना याद रखिएगा आप लोग तो क्या आपका याद करने का है तो यहाँ पे क्या 92 का क्या होगा आपका सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। 93 देखिए 93 में क्या दिया हुआ आपका RCH2OH RCHO अभिक्रिया के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अभिकर्मक होगा जल्दी से इसका आंसर दीजिए KMnO4 लिखा हुआ आपका है K2Cr2O7 दिया है CrO3 दिया हुआ PCC दिया हुआ है तो जल्दी से इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। देखिए यहाँ पे एल्डिहाइड बन रहा है अगर एल्डिहाइड बनेगा इसका मतलब ये होता है याद रखिएगा आप लोग कि अगर एल्डिहाइड बने R यहाँ पे CH2 और OH हो और अगर हम लोग क्या ले लें PCC और PCC क्या होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसको बोलते हैं हम लोग क्या मध्यम क्या बोल देंगे ऑक्सीकारक एजेंट ऑक्सीकारक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे अगर मध्यम ऑक्सीकारक होगा तो क्या बोलेंगे मध्यम या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग जैसे लिखते हैं हम लोग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग
क्या बोलेंगे हम लोग, एजेंट और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इसका मतलब क्या होगा आपका, यहाँ पे एल्कोहल किसमें चेंज हो जाएगा आपका, सी एच ओ में। तो मैं ऐसे लिख दें क्या, आर यहाँ पे क्या बन जाएगा, सी एच ओ, ठीक है ना। लेकिन यही हम बात करेंगे, अगर के एम ओ फोर ले लें हम लोग, के एम ओ फोर के टू सी आर टू ओ सेवन और यहाँ पे सी आर ओ थ्री, ये क्या होंगे आपका स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएंगे। और डायरेक्ट आर किसमें चेंज हो जाएगा आपका, सी एच टू ओ एच किसमें चेंज हो जाएगा आपका, आर सी ओ ओ एच में। का क्या ले हम लोग, के एम एन ओ फोर ले लें या फिर हम लोग ले लें के टू सी आर टू ओ सेवन ले लें या हम लोग ले लें सी आर ओ थ्री, तो किसमें चेंज हो जाएगा आपका, एसिड में चेंज हो जाएगा। तो क्या होगा आपका फोर्थ इज यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। आइए बात करते हम लोग हैं 94 के, देखिए क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक आयोडोफार्म परीक्षण देगा। तो देखिए धनात्मक आयोडोफार्म परीक्षण के लिए दो कंडीशन होती है, क्या होती है, सी एच टू सी एच ओ एच, या तो ए होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड आपका ओ ए हो, तब तो आपका क्या होगा, आपका यहाँ पे क्या होगा आपका धनात्मक आयोडोफार्म परीक्षण देंगे। तो देखो यहाँ पे बात करते हैं, तो बताओ कहाँ कहाँ पे होंगे आपके, देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ देखते हैं देखो सी एच थ्री सी एच ओ एच, तो देखो यहाँ पे क्या होगा आपका, अगर इसको हम लोग बोले देखो सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू ओ एच है, यहाँ क्या है सी एच थ्री सी एच टू और यहाँ पे क्या सी एच टू है ओ एच, यहाँ से हटा देंगे तो क्या होगा आपका, यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। जब यहाँ पे ऐसे बनेगा इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा आपका, ये तो दे देगा आपका। यहाँ बात करेंगे सेकेंड के, अब यहाँ देखिए इस यहाँ पे एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी दे देगा कि देखो यहाँ पे क्या दिया आपका है सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ। अब देखो फोर्थ की बात करें तो सेकेंड की बात करें तो देखो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये भी क्या सी एच थ्री सी एच ओ एच, ये भी ग्रुप देगा। लेकिन अगर इसकी बात करें फिनिल आ जाए तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ए नहीं देगा। और यहाँ देखो क्या दिया सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू दिया हुआ है, ये भी आपका क्या होगा आपका नहीं देगा। इसका मतलब बोलेंगे सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ क्या देंगे, धनात्मक आयोडोफार्म आपके टेस्ट दे देंगे, ठीक है ना। 95 देखिए क्या लिखा हुआ आपका, तनुक्षार की उपस्थिति में एसीटेल्डिहाइड और एसीटोन की अभिक्रिया कहलाती है। याद रखिएगा तनुक्षार मतलब बोलेंगे एसीटेल्डिहाइड मतलब सी एच थ्री सी एच ओ, अब प्लस ले लीजिए क्या एसीटोन सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, और हम लोग लेंगे क्या डाइल्यूट बेस ले लें, तनु क्षार लेते हैं, क्या ले लें हम लोग तनु, अगर क्षार हम लोग लेते हैं तो याद रखिएगा इसके चार प्रोडक्ट बनेंगे, चार उत्पाद बनेंगे, दो सेल्फ के और दो क्रॉस के बनेंगे। तो यहाँ अगर दो सेल्फ के और दो क्रॉस के बनते हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या क्रॉस एल्डाल संघनन बोल देंगे, क्या बोलेंगे क्रॉस एल्डाल संघनन बोल देंगे, दोनों अलग अलग हैं तो क्या बोलेगा आप लोग क्रॉस एल्डाल संघनन बोल देंगे, ठीक है ना। 96 जब एसीटेल्डिहाइड की क्रिया फेलिंग बिलियन के साथ कराते हैं तो लाल अवक्षेप किस यौगिक का होता है, तो याद रखिएगा किस यौगिक का होगा आपका, कॉपर सल्फेट जो होता है यही लाल अवक्षेप आपको देता है। और लाल अवक्षेप की बात किया जाए तो किस रिएक्शन के थ्रू देगा, देखिए हम बताते हैं, जैसे आपको हम बोल दें ऐसे देखिए सी एच थ्री सी एच ओ सी एच थ्री सी एच ओ आप प्लस आप ले लीजिए एसीटेल्डिहाइड का फेलिंग बिलियन के साथ, तो हम ले लें क्या है कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस एन ए ओ एच सी यू ओ एच का होल ट्वाइस प्लस एन ए ओ एच सोडियम हाइड्रोक्साइड को, जब हम लोग क्या करेंगे इसको जब हम लोग क्या करेंगे हीट कर देंगे, जब हम लोग इसको हीट करेंगे तो सी यू टू ओ का क्या बन जाएगा आपका रेड प्रेसिपिटेट बनता है, क्या बनता है रेड पीपीटी बनेगा, रेड प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो क्या होगा आपका फोर्थ इज यहाँ पे क्या होगा आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। 97 देखिए क्या पूछा आपसे, ए एंड बी पूछ रहा है,
तो ए अक्वा एमीन क्या होगा? तो याद रखिएगा RNH2 कि जब हम लोग रिएक्शन किसके साथ करा देंगे, हिंसबर्ग रिएजेंट C6H5, ऐसे थोड़ा लिखे तो अच्छा होगा आपका, C6H5SO2Cl। तो बोलेंगे देखो यहाँ पे क्या हिंसबर्ग C6H5SO2Cl को जब हम लोग इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपका B क्या बन जाएगा? B आपका बनेगा यहाँ पे R, देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे C6H5SO2 और यहाँ पे क्या बनेगा आपका, देखिए यहाँ से H और यहाँ से क्या होगा आपका Cl निकल जाएगा, तो क्या बनेगा आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ बनेगा आपका H और Cl निकल गया तो क्या बनेगा N, यहाँ पे बनेगा NH और क्या होगा आपका R हो जाएगा। ये क्या बन गया आपका, B बन गया। ये आपका क्या बन गया आपका, ये हो गया। और जब इसको एक्वस लिखा हुआ आपका एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, किसके साथ, KOH के साथ अगर हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो देखो KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ से ए निकल जाएगा क्या आपका H2O और फिर क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे C6H5SO2 और क्या बन जाएगा आपका N, यहाँ पे R, यहाँ पे क्या होगा K, यहाँ प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। तो वाटर सॉल्युबल होगा, तो पूछ रहा है A एंड B क्रमशः क्या होंगे, तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे पूछा A 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन ठीक। दो क्या होगा आपका, एन एल्किल, एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, एन का मायन नहीं होगा इसको बोलेंगे, देखिए एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 97 का आपका सेकेंड इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, बोलिए यहाँ पोटेशियम, देखो एन एल्किल पोटेशियम साल्ट आप क्या बोलेंगे बेंजीन सल्फोनामाइड हो जाएगा, ठीक है ना। चल 3 डिग्री एमीन इसमें से किसके साथ अभिक्रिया नहीं देता है, तो याद रखिएगा हिंसबर्ग अभिकारक, हाफ मैन अभिकारक और शिप अभिकारक, तीनों के साथ 3 डिग्री एमीन की रिएक्शन नहीं होती है, तो याद रखिएगा तीनों के साथ अभिक्रिया नहीं देता है। ये आपका क्या है लर्न करने वाला क्वेश्चन है, आपको याद ही करना पड़ेगा। 99 ग्रुप 13 में अधिकतम और न्यूनतम विद्युत ऋणात्मक कौन सा होगा, तो ग्रुप 13 की बात करते हैं तो याद रखिएगा बोरान और एल्युमिनियम में अधिकतम पूछा गया क्या, देखिए अधिकतम और न्यूनतम, तो अधिकतम किसमें होता है बोरान में और न्यूनतम किसमें होता है एल्युमिनियम में, तो यही आपका क्या होगा करेक्ट आंसर, 4th इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी लर्न करने वाला क्वेश्चन था आपका। बात करते हैं हम लोग 100 क्वेश्चन की, देखिए कहा दिया निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो देखिए हम जानते हैं क्या फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, याद रखिएगा आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं तो इंक्रीज होती है एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम पे जाएंगे तो क्या होता है आपका यहाँ पे डिक्रीज होता है, क्या होगा आपका डिक्रीज होगा क्या आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो देखिए यहाँ बात किया गया आपका क्या, देखो सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर और क्लोरीन के लिए फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेंगे तो जो हाफ फील्ड होता है उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है ज्यादा होता है अपने बगल वाले एटम से, तो इसका तो ज्यादा हो जाएगा किससे सल्फर से, तो क्या बोलेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट, ये तो आपका सही हो गया। सेकेंड की बात करेंगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद देखते हैं तो क्या होगा आपका सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर और फिर क्या होगा क्लोरीन, ये क्या हो जाएगा आपका IE2 सेकेंड हो जाएगा, ये भी आपका सही है। थर्ड पूछेगा तो थर्ड में फिर क्या होगा आपका देख लीजिएगा क्या होगा आपका, फिर क्या होगा आपका सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर और क्लोरीन हो जाएगा, तो IE थर्ड में आपका ये भी आपका सही हो जाएगा। पूछा कौन सही नहीं है, तो देखो यहाँ पे दिया हुआ आपका उपरोक्त सभी सही हैं, मतलब इसमें क्या सभी सही हैं, तो 4th इज द क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे हमारे ये फेस्टी 16 का जिसको हम लोगों ने हिंदी में डिस्कस किया है, तो आई होप आप लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा और आपके अच्छे मार्क्स भी आए होंगे। तो फिर अगले ये फेस्टी मिलते हैं, जय हिंद जय भारत, नमस्कार।